राम राम सही भाइयों को क्या हाल है भाइयों, आप सब की उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। भाइयों फोर्ड ने रिसेंटली अपना एक नया वेरिएंट इको स्पोर्ट का उतारा है जो कि एसयू वेरिएंट के नाम से दोस्तों आने वाला है। कई बार टेस्टिंग के दौरान भी ये वेरिएंट आपको दिखाई दिया गया है। इसमें आपको दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कोई इको स्पोर्ट का फेसलिफ्ट वेरिएंट नहीं है, ये खाली एक फोर्ड वालों ने अपना वेरिएंट निकाला है इको स्पोर्ट के अंदर जो कि एसयू के नाम से आने वाला है। दोस्तों इसमें आपको क्या क्या चेंजेस मिलने वाले हैं, कौन कौन से नए फीचर्स इसमें आपको मिलेंगे, तो आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाले हैं हम डिटेल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फोर्ड इको स्पोर्ट एसयू के वेरिएंट के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। फोर्ड इको स्पोर्ट का जो एसयू वेरिएंट है दोस्तों वो आपको टाइटेनियम और स्पोर्ट्स ट्रिम के बीच में रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, जो आपको पहले थंडर एडिशन और सिग्नेचर एडिशन वाले वेरिएंट मिलते थे वो अब फोर्ड ने डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं। उसकी बजाय फोर्ड वालों ने आपको इको स्पोर्ट में टाइटेनियम और स्पोर्ट्स ट्रिम के बीच में आपको ये वाला वेरिएंट मिल रहा जो कि एसयू वेरिएंट्स के नाम से आने वाला है। सबसे पहला चेंज जो कि एसयू वेरिएंट में आपको दिखेगा वो मिलेगा आपको पीछे वाले स्पेयर टायर, इसमें हटा दिया गया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अब आपको एसयू वेरिएंट में स्पेयर व्हील्स का ऑप्शन नहीं मिलेगा जो कि पहले आपको स्पेयर व्हील मिलता था। इसमें आपको जो स्पेयर व्हील मिलेगा आप सोच रहे होंगे आपको बूट में स्पेयर व्हील मिलेगा, लेकिन नहीं दोस्तों, इस एसयू वेरिएंट में आपको स्पेयर व्हील मिलेगा ही नहीं। ना तो आपको बूट में मिलेगा, ना ही आपको नीचे लगा हुआ मिलेगा, ना ही आपको डिक्की में मिलेगा, तो आपको स्पेयर व्हील इस वाले वेरिएंट में आपको मिलेगा ही नहीं दोस्तों। तो दूसरा, इसमें आपको जो नंबर प्लेट मिलती थी पहले आपको नीचे मिलती थी पीछे वाले बम्पर पे, अब आपको पीछे वाले बूट के ऊपर आपको नंबर प्लेट मिलेगी दोस्तों, जो कि एक नया चेंज इसमें लेके आया गया है। ये जो आपको चेंजेस मिले हैं ये आपको कस्टमर के फीडबैक के ऊपर फोर्ड वालों ने चेंजेस अपने फोर्ड इको स्पोर्ट में लेके आए हैं। बाकी दोस्तों जो इसका नया एसयू वेरिएंट है, आप ये मत सोचे कि आपको स्पेयर व्हील इस गाड़ी में मिलेगा ही नहीं, इसमें आपको खाली एसयू वेरिएंट में स्पेयर व्हील ही मिलेगा, बाकी जो दूसरे वेरिएंट्स हैं उसमें उनमें आपको स्पेयर व्हील मिलेगा। बाकी इसमें आपको अलॉय व्हील्स इसमें आपको एसयू वेरिएंट के दूसरे मिलेंगे जो कि डायमंड कट होने वाले हैं, जो थोड़े ग्रेश कलर में आपको मिलने वाले हैं। बाकी बाहर से गाड़ी हुबहू वैसी ही है दोस्तों, चाहे उसके हेडलाइट्स की बात करें चाहे उसके टेललाइट्स की बात करें, बाहर के फीचर्स भी आपको इसमें वही मिलने वाले हैं। बाकी इस गाड़ी में फीचर्स कौन कौन से मिलेंगे, सबसे पहले तो दोस्तों इसमें आपको वो फीचर्स मिलेंगे जो कि स्पोर्ट्स ट्रिम में मिलते थे, यानी कि टॉप वेरिएंट में जो आपको फीचर्स मिलते थे उसमें एक दो फीचर्स ही कम मिलेंगे, बाकी सारे फीचर्स इस वाले एसयू वेरिएंट में आपको मिलने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छी बात होने वाली है दोस्तों। अगर हम इसके इंटीरियर की बात करें तो इसमें आपको इंटीरियर भी आपको इसमें ऑल ब्लैक कलर का इंटीरियर मिलेगा, इसमें आपको सारे फीचर्स मिलने वाले हैं, हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिक्लाइन असिस्ट, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेटिक कंट्रोल, 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन सिस्टम, एम्बिएंट लाइट, कूल्ड ग्लव बॉक्स, वायरलेस मोबाइल फोन चार्जिंग, रियर यूएसबी पोर्ट, ऑटो डिमिंग मिरर, सारे शानदार फीचर इस गाड़ी में आपको मिलने वाले हैं। और इस गाड़ी में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलने वाला है दोस्तों, बाकी फीचर लोडेड ये गाड़ी रहने वाली है। जो इसका चेंजेस आए हैं दोस्तों वो आपको बाहर से मैंने बताई दिए, स्पेयर व्हील्स में आए हैं। बाकी अगर हम इसके इंजन स्पेक्स की बात करें तो इसमें आपको दोस्तों 1.5 लीटर का पेट्रोल और 1.5 लीटर का ही डीजल इंजन मिलेगा। इसमें आपको वही 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा जो कि 123 bhp के आसपास पावर और 149 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। डीजल में इसमें आपको दोस्तों 1.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन मिलेगा जो कि पहले ही मिलता था, जो कि 100 bhp के आसपास पावर प्रोड्यूस करता है और 215 Nm का टॉर्क मिलेगा। ये दोनों इंजन आपको 6 स्पीड की मैनुअल और 6 स्पीड की टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ मिलने वाले हैं दोस्तों। बाकी इसमें आपको नया 1.2 लीटर का M-Stolition पेट्रोल इंजन मिलेगा जो कि इको बूस्ट इंजन को रिप्लेस कर देगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जो इसमें पहले आपको इको बूस्ट इंजन मिलता था 1 लीटर का वो डिस्कंटिन्यू कर दिया गया है, उसकी जगह इसमें अब आपको नया इंजन मिलेगा दोस्तों जो कि अभी इस पर काम चल रहा है फोर्ड की तरफ से, वो भी 6 स्पीड की मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक के साथ मिलने वाला है। बाकी दोस्तों सेफ्टी में भी इस गाड़ी में कोई कमी नहीं मिलेगी, टॉप मॉडल में इसमें आपको 6 एयरबैग मिलेंगे, बेस मॉडल में इसमें आपको 2 एयरबैग मिलेंगे, हाई स्टैंड स्टील बॉडी, ट्रैक्शन कंट्रोल, एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, हाई स्टैंड स्टील बॉडी, बाकी सारे फीचर्स इसमें आपको मिलने वाले हैं। बाकी आप सबको तो पता है ये फोर्ड की गाड़ियाँ कितनी मजबूत होती हैं और हैवी होती हैं। बाकी दोस्तों आपको ये फोर्ड इको स्पोर्ट में ये चेंजेस कैसे लगे, और पीछे वाला आपको स्पेयर व्हील हटा के इको स्पोर्ट कैसी लगी दोस्तों, आपकी पर्सनल राय कैसी है दोस्तों, जिस ये एक ऐसा डिज़ाइन कर दिया जिसको पसंद आएगी उसको तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है, और जिसको नहीं पसंद आएगी उसको बिल्कुल भी दोस्तों पसंद नहीं आएगी, क्योंकि लोगों को आदत हो गई थी इको स्पोर्ट को पीछे स्पेयर व्हील के साथ देखने की, अब वो स्पेयर व्हील हटा हुआ देखेंगे तो आपको बहुत अजीब सा लगेगा, गाड़ी बिल्कुल फीकी फीकी और बिल्कुल एकदम खाली खाली सी लगेगी। तो दोस्तों आपको कैसी लगी अपनी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले नई इको स्पोर्ट के अपडेट के बारे में। और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना दोस्तों।
और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको दिक्कत हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर लेना या फिर नीचे कमेंट करके जरूर पूछ लेना। ऐसे ही मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।